हमारा वो काम हो गया सारा कुछ। मेन जो एक्सपोर्ट में मसला आता है वो ये आता है कि हमें कस्टमर नहीं मिलता, वो हम कंपनी भी जिससे आप ले सकते हैं एक अकाउंट 40-50 हज़ार का साल का जो है ना वो अकाउंट आपको मिल जाएगा, उसमें आपको ऑर्डर भी आएंगे, इंक्वायरियाँ भी आएंगी, उसमें सारा कुछ आएगा। पहली गाइडलाइन उनसे लें, उनसे पूछें कि वहाँ पे उस यूएसए में, खास तौर पर यूएसए में कौन कौन से लोग, कौन कौन सी कंपनियां हैं। इस वक्त जो बेहतरीन प्रोडक्ट है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आम वाम और मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली रजा। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट में बिजनेस, अगर हम चाहते हैं कि हम एक्सपोर्ट का बिजनेस करें तो कैसे कर सकते हैं, इसकी मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी हुई है। आज हम मोहतरम हाफिज तकीक साहब हैं, इनके पास तकरीबन 15 साल का एक्सपोर्ट का बिजनेस का तजर्बा है कि एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे किया जाता है। तो आज हम इनसे पूछेंगे, साथ में वकील भी हैं और 2-3 शोबे इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो हम इनसे पूछते हैं एक्सपोर्ट में जो कस्टमर को डिफाइन करते हैं, कस्टमर ढूंढते हैं वो कैसे ढूंढते हैं और इसमें ढूंढने की कितनी इकसाम है। तो चलते हैं तीक और रहमान साहब की तरफ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। तो हम आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि आपने ये एक्सपोर्ट का काम शुरू किया है तो उसमें अगर किसी ने कस्टमर ढूंढना है तो किस तरह तरीके होते हैं कस्टमर ढूंढने के? बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया मुझे बात करने का। तो असल में मसला ये नहीं है कि शुरू स्टार्ट आप कस्टमर ढूंढने से लेंगे। जिस वक्त आपने एक्सपोर्ट का अपना जेन बना लिया ना कि आपने एक्सपोर्ट करनी है, दरअसल एक्सपोर्ट जो है ना वो एक ट्रेड की एक किस्म है, तजारत की। जैसे लोग यहाँ से चीज़ परचेज करते हैं और यहाँ पे सेल करते हैं, इस तरीके से जिस वक्त आप यहाँ से चीज़ या मैन्युफैक्चर करेंगे या बनाएंगे और उसको आप बाहर के मुल्क में सेल करेंगे ना तो उसको हम एक्सपोर्ट बोलेंगे। उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ना वो ये है कि आपको, आपके पास एक कंपनी जो है ना वो उसको हमने डिफाइन करते हैं इस तरह कि हमारा वो काम हो गया सारा कुछ। मेन जो एक्सपोर्ट में मसला आता है वो ये आता है कि हमें कस्टमर नहीं मिलता, वो मैं कंपनी भी रजिस्टर करवा लेता हूं। थोड़ा सा बताता हूं आगे चलेंगे कि जिस वक्त आपने कंपनी रजिस्टर करवा ली है उसके बाद आपके पास फोरम है कितने ज्यादा, आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आपके पास ट्रेड डेवलपमेंट एसोसिएशन है, ये दो ऐसे इदारे हैं कि जहाँ पे आपने जब कंपनी रजिस्टर करवानी है तो इनकी डेली आपको मेल्स आती हैं, इनके पास जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोई बाहर से इंक्वायरी आती है तो वो आपको मेल्स आती हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिसमें आपने रजिस्टर करवाया हुआ है अपना बिजनेस वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ की लाइब्रेरी से आपको इसकी पूरी एक, जिस भी प्रोडक्ट में आप जाना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की आपको पूरी डिटेल मिल जाती है, ठीक है, कि वो किस जगह पे किस क्वालिटी में कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके पास मार्केट एनालिसिस के लिए मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसके लिए प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं कि जैसे अलीबाबा का प्लेटफॉर्म है, जैसे वो तो फ्री नहीं है ना, इट्से का प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा वो जो अमेजोन का प्लेटफॉर्म है, ये इस तरह का अगर आपके पास पैसा है तो आप प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। नहीं, हम लो लेवल पे कर रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप सबसे पहले प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे आप कौन सा करना चाहते हैं। आपको मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल्स दे देता हूँ कि सपोज के आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में करना चाहते हैं, क्योंकि मैं सर्जिकल में कर रहा हूँ, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आप जो है ना वो काम करना शुरू कर देते हैं, करना चाहते हैं, तो आपने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का आपने ये देखना है कि उसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी किस मुल्क में है, तो वो जर्मनी में है, क्योंकि जर्मन से डिफाइन करेंगे बेस्ट क्वालिटी। ये हर प्रोडक्ट का है, हर प्रोडक्ट की एक मार्केट है, जैसे सुई की मार्केट चाइना में है, धागे की मार्केट चाइना में है, गाड़ियों की मार्केट जापान में है, इस तरीके से हर प्रोडक्ट की अलग अलग मार्केट है। और आगे जो सेल होती है वो सबसे मेन मार्केट यूएसए है, यूएसए इसलिए मेन मार्केट है क्योंकि यूएसए आपसे परचेज करता है और फिर दूसरे मुल्कों को सप्लाई भी देता है। अच्छा, इसलिए यूएसए में, और हमारे पाकिस्तानी भाई यूएसए में इतने बैठे हुए हैं कि जो इम्पोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर बेशुमार कंपनियाँ रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तानियों की। आप अगर किसी प्रोडक्ट में आगे जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने कोई अजीज रिश्तेदार जो हैं जो उधर, उनसे सबसे पहली गाइडलाइन उनसे लें, उनसे पूछें कि वहाँ पे उस यूएसए में, खास तौर पर यूएसए में कौन कौन से लोग, कौन कौन सी कंपनियाँ ऐसी, उनको आप सैम्पलिंग करें और मेलें दें और कंपेटिटिव प्राइस रखें। प्राइस और क्वालिटी जब आप सैंपल देंगे ना तो कंपेटिटिव रखनी है। आपको पता है कि यहाँ पे एक एक बंदे ने मैनुफैक्चरिंग यूनिट लगाया हुआ पूरा और वो जिस वक्त सैम्पलिंग करते हैं ना तो उनकी प्राइस इतनी कम्पेटिटिव होती है, लेकिन जिस वक्त ग्राहक सेट हो जाता है ना उस वक्त फिर वो प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। तो जिस वक्त वो इंक्रीज़ करते हैं आप इसको एवेल्यूएट करें। इसके लिए ये है कि आपके कस्टम में बंदे होने चाहिए, कस्टम में आपको इन्वाइसेज मिलती हैं, आपके डीएचएल में कोई जानने वाला है तो वो आपको इन्वाइसेज देगा,
आपको यानी कि ये पता चलेगा कि कौन सी कंपनी किस रेट पे कौन सी आइटम सेल कर रही है, किस बंदे को सेल कर रही है, ये पता करना आजकल कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कस्टम में ईच एंड एवरी थिंग का रिकॉर्ड है। तो जिस वक्त आप ये पता कर लेंगे तो उसी कंपनी को अगर आप हिट करते हैं और उसी कंपनी को आप अच्छी प्रोडक्ट थोड़ी कीमत में देते हैं तो फिर आप इंशाल्लाह वो उसमें जो है वो आगे निकल जाएगी। बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कौन सा है कस्टमर? बेहतरीन जो इस वक्त पाकिस्तान में है वो अलीबाबा है, लेकिन उसमें ये है कि एक तरीका और भी है उसमें कि आप मेंबरशिप किसी ऑलरेडी मेंबर से आप उसका शेयर ले सकते हैं। वो कैसे लिया जाता है? वो जो मेंबर वो मेंबर्स हैं उसमें है। उसमें अगर एक मेंबर है ना उसने 3 लाख रुपया साल का उसको दिया हुआ है उनको, तो उसको 6-7 अकाउंट मिलते हैं। अच्छा। और वो बाई अकाउंट होते हैं यानी कि सेपरेट उसके उसका उसके साथ लिंक नहीं होता, उसके 6-7 अकाउंट इसलिए उसको दिए जाते हैं कि उसके 6-7 वर्कर हैं मार्केटिंग के, वो बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं हर एक अलग अलग अकाउंट। तो वो यहाँ पे सियालकोट में यहाँ पे वो सेल हो रहे हैं। अच्छा। आप ले सकते हैं एक अकाउंट 40-50 हज़ार का साल का जो है ना वो अकाउंट आपको मिल जाएगा, उसमें आपको ऑर्डर भी आएंगे, इंक्वायरियाँ भी आएंगी, उसमें सारा कुछ आएगा। तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो इसके अलावा अगर देख के कहते हैं जी इंस्टाग्राम और लिंक्डइन और फेसबुक से भी कस्टमर, उसमें ये है कि आपको ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, उसमें कोई प्रोडक्ट आपको जो है ना वो चूज़ करनी पड़ेगी। अगर आप सर्जिकल में करना चाहते हैं तो फेसबुक पर कभी नहीं मिलेगा कहीं भी, इंस्टाग्राम पर कभी कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई डॉक्टर परचेजर ये स्पेसिफिक परचेजर हॉस्पिटल के होते हैं जो परचेज करते हैं। इसी तरह अगर आप जैकेट्स किसी गर्म इलाके में देना शुरू कर दें तो वो भी वहाँ भी आपको नहीं मिलेगा, ये आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिक होना पड़ेगा। कि अगर आप टी शर्ट्स दे रहे हैं तो वो आप फेसबुक पे उसके डिज़ाइन वगैरह और वो इंस्टाग्राम पे उसकी आप कर सकते हैं और वो आपको कस्टमर मिल सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लोकली होते हैं कि आप उसको स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर दें फेसबुक पे, जिस जगह आपने ऐड चलानी है तो उस एरिया में वो सारे एरिया में वो एक बूस्ट हो जाएगा और वो लोगों को पता चल जाएगा, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। अभी आखिर में देखने वाले व्यूअर्स को पैगाम देना चाहिए? आप पैगाम यही देना चाहता हूँ कि अपने अपने दिल से स्टार्ट लें, कोशिश करें, मेहनत करें, हिम्मत करें, तो अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करेगा और आपको पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप आगे निकल जाएंगे। अच्छा आखिर में बस ये बता दें एक्सपोर्ट के लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सी है फिलहाल? इस वक्त जो बेहतरीन प्रोडक्ट है वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान में स्पेसिफिकली तैयार होते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स गुड्स जो है ना वो सेकेंड नंबर पर आते हैं, वो क्योंकि उधर बांग्लादेश में और बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं, इंडिया भी बहुत ज़्यादा बना रहा है, लेकिन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं ये मैन मेड है, ये जो आप इसको कहते हैं लोहारों ने रगड़ना है इसको, तो वो सिर्फ पाकिस्तान में ही है। और मोस्टली जो इनोवेटिव आइडियाज है वो पाकिस्तान में आते हैं, कि अगर कोई गोरा भी आ जाए ना तो वो भी हैरान हो जाता देखे कि ये बंदे कैसे काम कर रहे हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत आपका अपना कीमती टाइम दिया हमने सर से कुछ चंद सवाल किए जो हमने एक्सपोर्ट सीखने की कोशिश की। हम आगे भी सर से बहुत सारे इस तरह के इंटरव्यूज़ करेंगे और इनसे सवाल करेंगे और इनसे जो कुछ है उनको 15 सालों का तजर्बा वो हम इनसे लेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम सर से पूछ के आपका जवाब दे देंगे इंशाल्लाह वीडियो के शक्ल में। हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।